प्रिय भक्तों, जय श्री राम। गोरखपुर गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से श्री जयदयाल गोविंदिका जी के प्रवचन। श्री जयदयाल गोविंदिका जी कहते हैं कि आत्मनिवेदन के संबंध में सोच विचार करना चाहिए। निवेदन यानी कि प्रभु को अर्पण, अपने हमने जिन वस्तुओं पर अपना अधिकार जमा रखा है उनको उठाकर भगवान के अर्पण कर देना, ये आत्म निवेदन है। इससे भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति यानी यह हम आत्मनिवेदन का पहला अंग है शरणागति, और भक्ति का भी एक प्रधान अंग कह सकते हैं शरणागति। शरणागति से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। शरणागति के चार अंग हैं। पहला अंग है भगवान या नाम के स्वरूप, नाम या स्वरूप को पकड़ना। दूसरा अंग है शरणागति का भगवान के अधीन हो जाना, अर्थात उनके अनुकूल बन जाना, वे जिस प्रकार चलाएं उसी प्रकार चलना। तीसरा अंग है भगवान जो कुछ भी विधान करे उसी में प्रसन्न रहना। और चौथा अंग है भगवत परायण हो जाना, उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाना और अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पण कर देना। जब मैं स्वयं ही भगवान के अर्पण हो गया तो सारी चीज़ें भी उनके अर्पण हो गई। आत्मसमर्पण, नौधा भक्ति का अंतिम अंग है आत्मसमर्पण। ये सब हमें प्रभु की प्राप्ति में सहायक है। प्रभु से प्रार्थना करना, आत्मसमर्पण करना, नौधा भक्ति, ये सब हमें प्रभु की प्राप्ति करवा सकती है। आगे चलकर दास भाव वाला भी आत्मसमर्पण करेगा। जिसने आत्मनिवेदन कर दिया वह दास ही है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर गोविंदिका जी सेठ जी कहते हैं कि एक दुकान पर दो मुनीम काम करते हैं, उसका तो कुछ लेन देन माल खजाना है, उन सबको वो मालिक का ही मानता है। परंतु उनमें से एक तो शरीर निर्वाह के लिए अन्न वस्त्र मात्र लेता है और दूसरा वेतन भी लेता है। इनमें पहले वाला सकाम और पहले वाला निष्काम, दूसरा पहले का निष्काम भाव। निष्काम भाव वाले का दर्जा ऊंचा है। जो केवल शरीर निर्वाह के लिए अन्न वस्त्र लेता है वो निष्काम हुआ, और जो पूरा वेतन लेता है वो सकाम मान लीजिए। ऐसे हम भगवान से जब पूजा करते तो निष्काम और सकाम, निष्काम भक्त प्रभु को ज़्यादा प्रिय होते हैं, और सकाम भाव से भक्ति करने से ही, एक दिन जब हम सकाम भाव से भक्ति करेंगे, प्रभु से जुड़ जाएंगे, तो आगे चल करके हमारे हृदय में भी निष्काम भक्ति आ जाएगी। सेठ जी कहते हैं कि प्राचीन काल में एक और प्रकार के भी दास हुआ करते थे। वे दासी जन्मते थे और दासी मरते थे, उन्हें वेतन आदि कुछ नहीं मिलता था, और वे यहाँ तक कि दहेज में भी दिए जा सकते थे। राजाओं में कहीं कहीं अब भी यही प्रथा है। आत्मसमर्पण का दर्जा इन दास दासियों से भी ऊंचा है। जैसे दो सेनाएं लड़ रही हैं, उनमें से एक राजा की सेना परास्त हो गई, वह राजा हार गया तो वह दूसरी को आत्मसमर्पण कर देता, कहता है चाहे तुम मुझे मारो और चाहे जो कुछ भी करो, चाहे छोड़ दो यार राजा लौटा दो। परंतु इस आत्मसमर्पण करने वाले को यदि विपक्षी राजा मारे तो उसको दुख भी हो सकता है, क्योंकि उसने उसकी शरण ली है। इसलिए जब इस तरह के युद्ध होते थे तो विपक्षी राजा मारते नहीं थे। ऐसे हम भगवान की शरण जाएं तो प्रभु हमें अपना लेते हैं।